हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी, अक्सर मुझे इंस्टा पे लोग जो हैं वो डीएम करते हैं इस तरीके के कि आपने जो है चीक फिलर्स करवाए हुए। तो बिल्कुल भी मैंने कोई चीक फिलर्स नहीं करवाए हुए, बचपन से ही मेरे गाल ऐसे हैं। और मैं इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करती कि जब अल्लाह ने आपको बना दिया तो फिर आप चीक फिलर्स, लिप फिलर्स ये सब करा के आप क्या बन जाओगे। अल्लाह ने आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाया। बाकी जो एक्नी है, जो आप लोग एक और भी बात कहते हैं कि आपके मुँह पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से 3-4-5 साल पहले तक मेरे मुंह पे इतने जो फॉरहेड बम्स होते हैं वो इतने होते थे। वो अलग बात है कि मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाती थी, अभी भी होते हैं, लेकिन अभी ये है पहले के मुकाबले में जो है वो बहुत कम होते हैं। और बहुत छोटे होते तो वो इतना कैमरे में दिखते भी नहीं। और वैसे भी अगर आप इंस्टा से देख कर जज करते हो तो इंस्टा इतना फिल्टराइज है, हर चीज़ के लिए तो फ़िल्टर है, आँखों के लिए फ़िल्टर, आईलैश का फ़िल्टर है, मेकअप का, मतलब हर एक चीज़ का फ़िल्टर है वहाँ पर। तो वहाँ से किसी को देखने में या फिर आप YouTube पे भी किसी को देखने में आप वो नहीं कर सकते, किसी को जो है वो जज नहीं कर सकते। इससे इंसान को ख़ुद ही फील होता है कि मैं कमतर हूँ, मेरे मुंह पे तो ये है वो है। और बाकी इन सब चीज़ों का एक ही हल है, कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो फिर आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं करेगी। हाँ, जो आपको एक्ने होती है, जो ये चीज़ होती हैं, ये सब वक्ती चीज़ें होती हैं, एक टाइम तक होती हैं, लड़कियों को भी लड़कों को भी, उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली बात है ख़त्म हो जाती, नहीं होती आपको एक्ने। और अगर होती भी है आपको, बस सीवियर एक्ने है, तो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप उनको दिखाएँ और उनसे जो है कंसर्न करें, वो आपको हर चीज़ उन्होंने बता देनी है। आजकल तो हर चीज़ का ही डॉक्टर है। बाकी द थिंग इज़ कि अगर आपके मुँह पे फेशियल हेयर्स हैं या अगर आपके मुँह पे एक्नी हैं, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप शादी में नहीं जा सकते हैं, आप फलाना नहीं कर सकते, आप जो है चार लोगों में बैठ नहीं सकते। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग जो है बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते अगर जो है उनके मुँह पर एक्ने हो। बल्कि मेरी नज़र में ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है या इतनी कोई हवा बनाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों के साथ ये मसला है। एक टाइम पे मुझे भी ऐसा फील होता था कि मेरे मुँह पे बहुत एक्नी है, फलाना है, ठिमकाना है, और लोग मुझे बोलते भी थे ये इस्तेमाल कर लो ना, यूट्यूब इस्तेमाल कर लो, फलानी इस्तेमाल कर लो, ढिमकाने डॉक्टर को दिखा दो। तो इस चीज़ से मुझे उस टाइम फील होता था, पर अब मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी हो, कॉन्फिडेंस के ऊपर कुछ भी नहीं है, और हर चीज़ वक्ती होती है, वक्त के साथ चली जाती है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो देख रहा ना मेरे, इतना अच्छा अच्छा खाना आ रहा है, ये देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है इस टाइम। लेकिन खैर जो है, बस अपनी ज़िंदगी जियो यार, किसी को क्यों आपने सेटिस्फाई करना है। अगर आप खुद सेटिस्फाई हो खुद से, तो फिर दुनिया कुछ भी बोलती रहे सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ओके, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को मेरा ये वॉइस ओवर कैसा लगा, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। आप चाहते हैं और ऐसे बेसिक टॉपिक्स पे हम बात करें अगर चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरी अम्मा जो है वो उसे बर्तन धुलवा रही हैं, आप बर्तन धोते ही होंगे घर में। खैर, जिसे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़।